अमीन को अलविदा। ये वो फनकार थे जिनका नाम ही काफ़ी था अपनी आवाज़ से लोगों की धड़कन बढ़ाने वाले, रेडियो की गोल्डन आवाज़ कहे जाने वाले अमीन सयानी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। तो अमीन सयानी जिन्होंने 91 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। सुपरहिट गीत नंबर एक और उसके साथ आ रहे हैं हसरत के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज और शंकर जयकिशन की धुन। आ रहा है सूरज। नहीं रहे आवाज की दुनिया के अजीम फनकार। माया नगरी में स्ट्रगलर्स के थे सबसे बड़े मददगार। नहीं रहा कोई सानी, अलविदा अमीन सयानी। जी हाँ बहनों और भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त अमीन सयानी और उसके साथ आ रहे हैं हसरत के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज और शंकर जयकिशन की धुन। मखमली आवाज, कशिश ऐसी कि सुनने वाला बस आवाज की गहराई में उतरता चला जाए। बहनों और भाइयों, मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ। जी हाँ, अमीन सयानी। एक वक्त था जब लोग रेडियो पर इस आवाज को सुनने के लिए बेकरार रहते थे। जब ये आवाज गूंजती थी तो लोग दम साध कर इसे सुनते थे। कहते हैं कि सुनने वाला अपनी जुम्बिश से भी डिस्टर्ब हो जाते थे। एक एक अल्फाज जैसे छन कर सुनने वालों के कानों में जाता, एक अलग दुनिया से उनका नाता जोड़ता। लेकिन अफसोस, आवाज की दुनिया का अजीम फनकार अब हमारे बीच नहीं रहा। अपने दिल छू लेने वाली कमेंट्री से पीढ़ियों को सम्मोहित करने वाले, जमाने भर को मुरीद बनाने वाले रेडियो किंग अमीन सयानी का मुंबई में हार्ट अटैक से निधन हो गया। दिल तक पहुंचे मेरी अब तक कामयाबी जो भी थोड़ी बात है। रेडियो और विविध भारती के सबसे जाने माने अनाउंसर और टॉक शो होस्ट अमीन सयानी के 91 साल की उम्र में मौत की पुष्टि खुद सयानी के बेटे राजिल ने की, जिससे देश विदेश में फैले उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई। न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि हर क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, अमीन सयानी भारतीय ब्रॉडकास्टिंग में क्रांति लाए। अमीन सयानी जी की सुनहरी आवाज में वो खूबसूरती और गर्मजोशी थी जिसने उन्हें कई पीढ़ियों के लोगों से जोड़ रखा। अपने काम के जरिए वो भारतीय ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में क्रांति लाए और अपने श्रोताओं के साथ खास बॉन्ड बनाया। उनके जाने से दुखी हूं, उनके परिवार, चाहने वालों और सभी रेडियो प्रेमियों को सांत्वनाएं, उनकी आत्मा को शांति मिले। अमीन सयानी ने रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत मुंबई ऑल इंडिया रेडियो से की थी। उनके भाई हमिद सयानी ने उनका परिचय यहां से कराया। बहुत कम लोगों को ये पता है कि अमीन सयानी ने देश की मशहूर कंपनी में भी काम किया था। 1960 से लेकर 62 तक ब्रांड एग्जीक्यूटिव के तौर पर उन्होंने नौकरी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सयानी ने करीब 10 सालों तक अंग्रेजी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने भारत में ऑल इंडिया रेडियो को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। बहनों और भाइयों, मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ। जी हाँ, अमीन सयानी। सही मायने में कहें तो अमीन सयानी देश के पहले रेडियो स्टार रहे जिनका रुतबा किसी भी फिल्म स्टार से कम नहीं था। बिना का गीतमाला कार्यक्रम से उन्होंने पूरे देश विदेश में धूम मचा दी। रेडियो सिलोन और फिर विविध भारती पर लगभग 42 सालों तक चलने वाला हिंदी गीतों का उनका कार्यक्रम बिना का गीतमाला ने सफलता के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे।
और लोग हर हफ्ते उन्हें सुनने के लिए बेकरार रहा करते थे। अमीन सयानी के नाम पर 54,000 से ज्यादा रेडियो कार्यक्रम प्रोड्यूस करने का रिकॉर्ड दर्ज है। लगभग 19,000 जिंगल्स के लिए आवाज देने के लिए भी अमीन सयानी का नाम लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उन्होंने भूत बंगला, तीन देवियां, कत्ल जैसी फिल्मों में अनाउंसर के तौर पर काम किया था। रेडियो पर सितारों पर आधारित उनका शो एस कुमार्स का फिल्मी मुकदमा भी काफी लोकप्रिय साबित हुआ था। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इस दुनिया से रुखसत होने के बाद अपने पीछे अपना प्रभावी इतिहास छोड़ जाते हैं और उनकी यादें हमेशा दिलो दिमाग में घर किए होती हैं। अमीन सयानी ऐसे ही लोगों में शुमार रहेंगे। कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।